मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की समीक्षा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सामने आई चुनौतियों का पार्टी नेताओं से ले रहे हैं फीडबैक। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित सभी लोकसभा प्रत्याशी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम समेत संभाग प्रभारी मौजूद। भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का बयान, लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। कहा, भिंड में भी मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी, सरकार के इशारे पर पुलिस ने डाले वोट। फरुखाबाद से बड़ी घटना हुई थी भिंड में, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान। राजन सिंह वर्मा ने पार्टी को दी नसीहत, डर की राजनीति नहीं होती। विधानसभा में पार्टी ने भीतरघातियों पर कार्यवाही में डर दिखाया है, डर के कारण कार्यवाही नहीं की गई, इसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा। अगर विधानसभा में कार्यवाही कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। चुनाव के बाद अब एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, वो जरूरी भी है। मैं पार्टी के सामने आज ही ये बात रखूंगा। मुझे दुख है कि मैं कमेटी में था फिर भी कड़े फैसले नहीं हो पाए। मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने लगाया आरोप, सीएम मोहन यादव ने लगाया आरोप, षड्यंत्र करने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उन्हें देखकर समझ जाता है। बैठक के सवाल पर कहा, मतगणना के दिन किस तरह की सावधानी रखनी है, उन गंभीर सभी गंभीर विषयों पर चर्चा की जाएगी। चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। देखिए, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। सर, मध्य प्रदेश में अच्छी सीटें आएंगी। देखो, बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। चलो, उसके प्रभारी आज भी जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर हम लोगों से फीडबैक लेने आए हैं कि लोकसभा के चुनाव में किन क्षेत्रों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और काउंटिंग के पहले हम लोगों को संदेश देंगे किस तरह से वहां पर उम्मीदवार सतर्क रहें, क्योंकि धांधलियों का जमाना है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन जीती हुई पारी जिस तरह से विधानसभा में चुनाव में हम लोग झेल चुके हैं वो दोबारा न हो, उसके लिए बैठक। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस में परंपरा रही है, एक कमेटी रहती गठित है जो इन शिकायतों पर जांच करने के उपरांत कार्रवाई करेगी। हमारी प्रभारी उस पर निर्देश देंगे। प्रभारी प्रभारी जी आपको मीटिंग के बाद आपकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।